गुड इवनिंग चिल्ड्रन। दो तीन दिन हो गए वीडियो नहीं डाला मैंने, केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट काम था। चलिए काम की बात करते हैं। हम आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा सॉल्यूशन, फिर हम गए सॉलिड स्टेट पर। अभी मैं आपका जो लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कुछ। अभी आप में थोड़ा सा और कैपेबिलिटी डेवलप करना है 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अप लेवल का है। काइनेटिक्स जैसे हम बोल सकते हैं कि आपने सॉल्यूशन पढ़ा थोड़ा सा नॉर्मल था, सॉलिड स्टेट पढ़ा और आपको मजा आया होगा, सिंपल सा ही चैप्टर है, आपके टेस्ट आपने देखे होंगे, यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स ऑल ऑफ स्टूडेंट। काइनेटिक्स इसलिए स्टार्ट करते हैं कि मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, आपको ऐसा नहीं लगेगा बोरिंग है। इलेक्ट्रो में बीच में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, तो इलेक्ट्रो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो देखते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक मीनिंग है बेटा वो होता है स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का मीनिंग सिंपल वर्ड में बोले केमिस्ट्री में स्पीड है, मतलब आप कैसे किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्पीड का मतलब ये नहीं है केमिकल रिएक्शन भाग रहा है, मतलब आप जो 20 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं है। केमिकल रिएक्शन की स्पीड का यहां मीनिंग थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या मीनिंग है, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। आर का मतलब है यहां रिएक्टेंट और पी का मीनिंग है यहां प्रोडक्ट, मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन में आर कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। सपोज एट टाइम टी इक्वल जीरो, जिन लोगों ने मुझसे 11th क्लास पढ़ा हुआ है उन्हें टी इक्वल जीरो का मीनिंग पता है। टी इक्वल जीरो हम तब लिखते हैं जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता ही है, मतलब टी इक्वल जीरो का मतलब आपने रिएक्टेंट लिया है अभी और अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ में आया बोलता हूं मैं, मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और टी इक्वल जीरो लोगे, टी इक्वल जीरो का मीनिंग होता है आपने केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट डाला है अभी पर अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। इसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपने रिएक्टेंट लिया है अभी केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। देखते हैं, सपोज टी इक्वल जीरो पर आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है आर वन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है पी वन, सही है? मतलब ये जो आर वन होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा मैक्सिमम और पी वन क्या होगा, ये होगा आपका जीरो। एक प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, सही है? अब देखिए आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर बाद अगर आपको टी इक्वल जीरो में दिक्कत आ रहा है तो आप चाहें तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला है कि स्टार्ट से मान रहे हैं इसे आफ्टर टाइम टी, सपोज आपने लिखा ये 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ आर टू और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ पी टू, सही है? आर टू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी डिक्रीज, पी टू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। क्यों बोला हमने, बिकॉज जब भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ ही आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब बात करते हैं कि काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है। काइनेटिक्स बोलता है आपको कि आपकी केमिकल रिएक्शन में किस स्पीड से आपके रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं या फिर किस स्पीड से आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन, या हम 10th में ही पढ़ते हैं ये रिएक्शन बहुत स्लो चलता है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा फ्लास्टेंट में अगर हम वाटर में मिलाते हैं H2SO4
इट टर्न्स हॉट, इट मे कॉज अ सीवियर एक्सीडेंट. क्यों? बिकॉज H2SO4 को वाटर में मिलाने पर हाईली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जैसे मैंने बोला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स. आपने स्टोन को डाला वाटर में, तो स्टोन को वाटर में डालोगे तो आपको 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर लग जाएगा स्टोन को वाटर के साथ रिएक्ट करने में, डिजोल्व होने में. बट अगर वाटर में आप डालोगे कोई केमिकल NaCl या KCl, फटाफट डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा. तो कुछ रिएक्शन स्लो होती है, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है. जो रिएक्शन फास्ट होती है हम क्या बोलते हैं, दे आर केमिकल काइनेटिकली हाईली हाईली एक्टिव. एंड जो रिएक्शन स्लो होती है दे आर केमिकली हाईली हाईली लेस रिएक्टिव. अगर हम बात बोले कि हम इसको डिफाइन कैसे करें, तो डेफिनेशन सिंपल है. किस रेट से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या फिर किस रेट से आपका प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट कर तो दे, डेफिनेशन भी पढ़ लोगे लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है डेफिनेशन. अगर आप यहीं अटक गए तो आगे के चैप्टर में हमेशा पेन रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उलझाऊपन है आगे चैप्टर में. तो आज मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको केवल टेक्निकल चीजें बताऊंगा. तो अगर आपको आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, द रेट इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज. जिस रेट से आपके रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये तो बात हुई डेफिनेशन की. वन मार्क्स में कई बार आया डेफिनेशन, काउंटलेस है. आप बोर्ड के ऊपर उठाइए 10 ईयर के, जैसे मैं बोलता हूं ना, ये कई बार आया है, 10 बार आया है, 20 बार आया है. भरोसा ना हो बोर्ड पेपर उठा लीजिए, वहां देखिए, वहां वो कंटिन्यूस मिलेगा कई बार आया हुआ डेफिनेशन वन मार्क्स में. सो द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब जितनी स्पीड से आपके रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे या जितनी स्पीड से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ऐसे, रेट इक्वल. अब रिएक्टेंट देखिए, कितना रिएक्टेंट, आप लिखोगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम. मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, कितने टाइम में वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ. इक्वल प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, कितने टाइम में आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है. मतलब कितने टाइम में आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ. दूसरी चीज, जब भी आप रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिखते हैं तो हम ये लगाते हैं माइनस का साइन. माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि R2 की वैल्यू कम है. जब आप छोटी वैल्यू से R1 की बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये आएगा माइनस. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. क्या किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट नेगेटिव हो सकती है? आंसर है नो. हम करते क्या है, R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, सो यू विल गेट योर पॉजिटिव वैल्यू. अब अगर बोर्ड एग्जाम में हम भूल जाए कि सर माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो क्या, तो आपको आंसर में ये लिख कर आना पड़ेगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है आपने इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या इंडिकेट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम. सही है, बट इतना पंगा लेना नहीं है, कई क्वेश्चन में आपको माइनस दिखेगा. प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि P2 की वैल्यू क्या है, P1 से ज्यादा है, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी, प्लस में आएगी. एक और चीज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या है, ये जो है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज. मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज
का यूनिट क्या है, मोलैरिटी, और टाइम का सेकेंड। ये जो सिंबल है ब्रैकेट, ये कॉन्सेंट्रेशन शो करता है मोलैरिटी को, सही है। आज एक या डेढ़ पन्ना ही पढ़ पाएंगे हम, बट वो एक डेढ़ पन्ना ही बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है इस चैप्टर का, वरना उलझते रहते हैं बात। तो देखिए, ये जो सिंबल है ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हम किस में लेते हैं केमिकल का, मोलैरिटी में। तो आप क्या लिखोगे, मोलैरिटी अपॉन सेकेंड। मोलैरिटी को और सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करोगे तो आपका यूनिट आएगा मोल अपॉन लीटर पर सेकेंड। मोल अपॉन लीटर क्यों आया, बिकॉज मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। तो ये है सिंपल डेफिनेशन किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। एक बार और सुन लीजिए, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सही बना, माइनस साइन क्यों लगाया, इट इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। ये ब्रैकेट क्या शो करता है, ये बोर्ड में पूछा है, इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग है, ये ब्रैकेट बताता है आपको किसको, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सही बना, तो ये ध्यान से देख लो एक बार और फिर बढ़ते हैं आगे। एक टर्म देखिए बेटा, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टू टाइप के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है आपके सिलेबस में, एक होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सही, ये आपको आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए। अब बहुत सिंपल है, देखिए अगर टफ बनाएंगे तो बहुत टफ है। प्रदीप में आप देखोगे तो इस टू टॉपिक के ऊपर ही आपका दो पन्ना लिखा हुआ है, पर इससे मतलब नहीं है हमें कोई ग्रंथ महाभारत पढ़ने से। सिंपल डेफिनेशन है, आप देखिए, इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन स्पॉट, क्विक, बिल्कुल सडन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, इंस्टेंटेनियस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपको टाइम इंटरवल इज गिवन हो बहुत बहुत शॉर्ट। मतलब सिंपल है, व्हेन वी कैलकुलेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एन इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस वी कॉल द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं बताऊंगा, अभी किताब बना के बताऊंगा डिटेल में, है ना। बात आती है अब एवरेज की, एवरेज आप वर्ड यूज कब करोगे, व्हेन वी कैलकुलेट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एन इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन इन अ मॉडरेट अमाउंट, मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, हाफ एन आवर, 3 आवर, 4 आवर, मतलब क्या है, जब आपको टाइम का स्पान सफिशियंट दिया हुआ हो, उस केस में जब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे समझे, देखिए मैं ग्राफ लिखी बना रहा हूं दोनों का, यहां समझ लेना। देखिए सपोज ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन का ग्राफ है, ये आपने एक्स एक्सिस लिया और ये लिया वाई एक्सिस। यहां आपने लिया कॉन्सेंट्रेशन, जिसने मुझसे 11th क्लास पढ़ा है तो मैं बोल रहा हूं उन्हें ये सारी चीजें पता होंगी। अब ऐसा नहीं है जिसने नहीं पढ़ाया उसे पाप कर दिया है कि मैंने हम लोग ये सब क्यों नहीं पढ़ा, उन्हें पता लग जाएंगे, दोबारा पढ़ाई था मैं 11th का आपको, है ना बेटा। तो यहां हमने लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल और यहां हम लेते हैं टाइम, ये सेकेंड्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल हमने लिया किसमें, मोल अपॉन लीटर। अब देखो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट आर आपका, ये जीरो लिया हमने, जब टाइम इक्वल जीरो था तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या लिया आपने, आर वन। सही है, पर आर वन भी नहीं लेना है आपको, तो कुछ भी ले लीजिए, आपकी जो मर्जी आई ले लीजिए, है ना बेटा।
जैसे मैंने आर1 लिया था, R0 लगा सकते हैं, मतलब जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन R0। अब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, मैं लिख देता हूं पहले ये रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा टाइम लैप्स होगा, और टाइम लैप्स होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। सही है, ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा नीचे। सही, टी इक्वल जीरो पर यहां है आपका प्रोडक्ट, इसको सपोज करा हमने पी जीरो। प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल जीरो पर क्यों एज्यूम करा है? बिकॉज जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा उस केस में आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जीरो। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ग्राफ ऐसे जाएगा। सही है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट का ग्राफ, और ये ग्राफ है किसका? रिएक्टेंट का ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, जब आप जेई मेन्स वगैरह का एग्जाम दोगे तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन 12th क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। सही है, अब जैसे मैंने बोला आपको इन टू पॉइंट्स के बीच में आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, ग्राफिकल मेथड देख लीजिए। आपको बोला मैंने इन टू पॉइंट्स के बीच में आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे? मतलब आपको इस इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो ये किसका ग्राफ है? प्रोडक्ट का। तो आप क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये क्या हुआ? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या लिख दोगे? P1। ये क्या हुआ आपका? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिख दोगे आप? P2। सही है, आप बोलोगे साहब ने जीरो उसके बीच में क्यों निकला? ये बोर्ड एग्जामिनर की मर्जी, वो डेट ऑफ रिएक्शन यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, कहीं भी पूछे वो। तो ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यहां से डालोगे परपेंडिकुलर यहां, ये क्या मिल जाएगा आपको? टाइम T1। यहां से डालोगे यहां, क्या मिल जाएगा? टाइम T2। तो आप देखो, आपको इस स्लोप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, इस स्लोप पर कैलकुलेट करना है, मतलब आपको सफिशियंट इंटरवल ऑफ टाइम मेंशन है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो आप क्या लिख दोगे? रेट इक्वल P2 माइनस P1 और टाइम T2 माइनस T1। अब बताइए, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा? यहां ना प्लस का आएगा ना माइनस का आएगा, बिकॉज क्या है? ये प्रोडक्ट के टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अगर आपको बाय चांस वो बोल दे इस पॉइंट पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालो, इस पॉइंट पर, ओनली इस पॉइंट पर, मैं हटा रहा हूं बेटा आपको, या चलो लिखे ना लेता हूं, देखिए आपको बोलता है वो इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिए। अब जब आप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दूसरा परपेंडिकुलर भी नहीं आएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये ओवरलैप करेंगे, मतलब आपके T1 और T2 ये क्या है? कॉन्साइड है। इफ T1 एंड T2 आर कॉन्साइड मींस इंटरवल ऑफ टाइम इज वेरी वेरी लेस। इस केस में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो यहां P1 और P2 ये भी क्या होंगे? कॉन्साइड। तो मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी क्या होगा? बहुत कम होगा। इसीलिए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके एवरेज रेट के और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म को मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको लूंगा। सही बेटा, आज मैं इतना समझा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना, कोई डाउट हो मुझसे अभी पूछ लेना, ये चैप्टर बहुत मजेदार है, मजा आने वाला चैप्टर है। सही बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।